हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि हमारे पास पॉट्स नहीं हैं, गमले बहुत महंगे हो गए हैं और ज़्यादा जगह भी नहीं है और गार्डनिंग भी करनी है, शौक़ भी है, तो आप छोटे से छोटे पॉट में अच्छे अच्छे प्लांट आपके बहुत अच्छे से चलेंगे, मैं वही बताने वाली हूँ आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बेबी सनरोज़, ये देखिए कितने छोटे पॉट में ये चल रहा है। आप किसी भी किचन से निकले वेस्ट डब्बे में इसको लगा सकते हैं। इधर देखिए पर्सलैन पॉर्चुला का, ये देखिए सब ये पेंट के डब्बों में लगे हुए हैं, ये पॉली बैग में लगे हुए हैं, देखिए पूरे। और इधर देखिए थर्माकोल में पूरा लगा हुआ है। घर से निकले ये पूरे वेस्ट मटेरियल है मेरे, जिनमें ये पर्सलैन पॉर्चुला का लगे हुए हैं मेरे। ये देखिए ये टूटी हुई टोकरियों में मेरे रैन लिली लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये टूटे हुए थर्माकोल के बॉक्स पे आप देखिए क्या कुछ नहीं लगा है। इधर ये मैक्सिकन पिटूनिया, इधर ये सदाबहार और भी निकले हुए हैं, बीट्स भी निकले हुए हैं। उसके बाद भी देखिए गुल दोपहरी, पर्सलैन पॉर्चुला का सब इसमें लगे हुए हैं। इधर देखिए ये डमकिन का प्लांट वेस्ट में ही लगा है, कितना छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है। और इधर देखिए सेंसोवेरिया, ये भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही लगा है। ये देखिए एकदम छोटे से पॉट में, देखिए टूटे हुए पॉट में ये मेरा सिंगोनियम लगा हुआ है। और इधर देख सकते हैं टूटे हुए पॉट में, ये देखिए ये है डबल बैकबोन, ये लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल टूटा हुआ है। इधर देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ये देखिए वेस्ट कबाड़ में ही लगा हुआ है। ये देखिए टोटल वेस्ट में इतनी ग्रीनरी मैंने अपने घर के अंदर बना के रखा है। ये देखिए सिंगोनियम देख रहे हैं कितना प्यारा चल रहा है, लगा किसमें ये टूटा हुआ मटका। ये देखिए ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, ये देखिए खाने के डब्बे में लगा है। ये चाय का कप था जो टूट गया था, इसमें देखिए कितना हेल्दी सा ये डेड प्लांट चल रहा है। ये भी टूटा हुआ मग है, मैंने होल भी नहीं किया इसमें देखिए, और इसमें देखिए बेबी प्लांट निकल गया है। सेम इसी तरह के मग में ये भी लगा रखा है मैंने, सेम खाने के डब्बे पे देखिए। ये सेंसोवेरिया कितने अच्छे से चल रहा है, ये मैंने घर के अंदर प्लेस कर रखा है। ये देखिए सिंगोनिया, ये पानी में ग्रो हो रहा है। इधर देखिए मनी प्लांट, एक वेस्ट डब्बे में ही लगा हुआ है, पानी में चल रहा है। ये सिंगोनियम है, ये वेस्ट जार में ही चल रहा है। ये देखिए वेस्ट मग में ये कितना सुंदर से चल रहा है मनी प्लांट। टोटल जिनको हम कचरों में फेंक देते हैं उससे हम अपना घर आंगन कितना सुंदर से सजा सकते हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल जीरो बजट। इधर देख सकते हैं आप ये बहुत छोटे पॉट में एग्लोनिमा लगा है, इससे भी छोटे पॉट में मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो बहुत अच्छे से चलेगा। ये देखिए वेस्ट खाने के डब्बे में ये कोलियस लगा हुआ है। और ये देखिए एरेलिया का प्लांट, ये भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही लगा हुआ है, यहाँ पे डमकेन कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में लगा है। ये भी डमकेन है और इसमें सदाबहार निकल आया है, ये छोटे से बॉटल में ही चल रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स में ही। आप देखिए ये मेरा हाइब्रिड लेंटाना चल रहा है देखिए, और ये तो पूरे वेस्ट डब्बे में लगे ही हैं पर्सलैन पॉर्चुला का। ये देखिए इतना बड़ा सहजन का पेड़ जो मैंने सीड से ग्रो किया था, ये टोटल वेस्ट में लगा है देखिए, एकदम ये बाल्टी टूट चुकी थी, किसी काम की नहीं थी, ये इसमें लगा हुआ है देखिए। ये देखिए चाइनीज हिबिस्कस इतनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है और लगा किस में आप देख सकते हो, ये फटी हुई कट्टे में, ये बोरी में। इधर देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ये सदाबहार, ये भी फटी हुई देखिए प्लास्टिक में लगा हुआ है ग्रो बैग में। ये देखिए ये वेस्ट डब्बे में ही मेरा ये बेबी सनरोज़ कितना सुंदर चल रहा है।
बेस्ट कोल्ड ड्रिंक के डिब्बों में ही इतना हेल्दी सा देखिए कॉस्मोस चल रहा है, और इसमें खिलेगा भी और खिलता भी है। मैंने देखिए मधुमालती कट छट कर दी बारिश के बाद, तो ये भी किस में लगा है, ये टूटे हुए टीने में, ये टूटी हुई बाल्टी में। किचन से निकले हुए टूटे हुए कटोरे पे मैंने इसको लगा दिया है पर्सलेन पॉर्सेस वॉश रोज को, कितना सुंदर चल रहा है आप देख सकते हो। इधर देखिए मॉर्निंग ग्लोरी कितने अच्छे से इसमें अमरूद के पेड़ में चढ़ रहा है, और ये किस में लगा है, ये इस फटे हुए प्लास्टिक में, ये टूटे हुए बक्स में देखिए अब पूरा टूट चुका है। इसमें अरबी लगी हुई है, अमरस लिली लगी हुई है, इतना हेल्दी सा डबल बैकबोन आप देख रहे हैं, देख के लगेगा पता नहीं कितने बड़े गमले में इसको ग्रो करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये आटे के थैले में लगा हुआ है, तो देखिए ट्राइंगल हार्ट बिल्कुल वेस्ट में चल रहा है, ये देखिए टूटे हुए बाल्टी में। इधर देखिए ये टर्टल वाइन, ये भी वेस्ट में ही चल रहा है, कितना प्यारा। तो कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल एक रुपये भी खर्च ना करिए, आप ये बोरियों में जो प्लास्टिक के थैले आते हैं घर में किचन के सामान आते हैं उस पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि वो जो बेसन के सूजी के मैदे के पैकेट होते हैं वो बहुत मज़बूत होते हैं छोटे, और वो प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो गमलों पे आप बिल्कुल भी खर्च मत करिए, और बहुत सुंदर सा गार्डनिंग आप अपने घर में कर सकते हैं। ये पूरे आप देख सकते हैं पूरा, और अभी मैं आगे और भी वेस्ट का यूज करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। आप देख सकते हैं इतनी ग्रीनरी यहाँ पे है, तो इसमें आधा से ज़्यादा प्लांट तो मेरे वेस्ट में ही लगे हैं, ये देखिए ये थैलियों में लगे हुए हैं। और जब आपकी मिट्टी अच्छी होती है, आप रिच सॉइल रेडी करते हैं, तो आपके सिर्फ प्लांट दिखते हैं, प्लांटर नहीं दिखते हैं कि आप किस में लगाए हैं। सुंदर से प्लांटर में आप अनहेल्दी सा प्लांट लगा के रख दो तो देखने में कभी सुंदर नहीं लगे, क्योंकि आपका प्लांट ही हेल्दी नहीं है, आपकी मिट्टी ही सही नहीं है, तो खाली प्लांटर कोई थोड़ी देखेगा। गार्डन में इंसान प्लांट देखता है, प्लांट की ब्यूटी देखता है, प्लांट की खूबसूरती देखता है। तो इन चीज़ों का यूज करके आप बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में, कम से कम खर्च में बहुत सुंदर गार्डन। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे काम को हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, और ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय।